ये जो चार तीन चार नियम है, ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है। इन नियमों के बिना तो ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि आपको चौकी मिल जाए। मतलब ही नहीं है कि आप चौकी लगा सकते हैं, आप गद्दी लगा सकते हैं, आप सवारी प्राप्त कर सकते हैं। ये चार पांच नियम तो आपको करने ही करने हैं। इसके अलावा ढेरों नियम आप अपने हिसाब से बांध सकते हैं, किंतु ये चार पांच नियम बेसिक नियम है, मूलभूत नियम है, ये आपको पूरे करने ही पड़ेंगे। देखिए, बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं, कहते हैं कि गुरु जी हमें चौकी लगानी है, हमें जो है साधना करनी है। पहली बात तो ये समझनी होगी आप सभी लोगों को कि भाई चौकी मिलती किसको है। ऐसी हर कोई साधना लगा के चौकी लगा सकता है, या हर कोई साधना करके चौकी कर सकता है, या हर दूसरा व्यक्ति या महिला बाबा की चौकी ले सकती है। ये जटिल प्रश्न है जिसका जवाब खोजना जरूरी है कि चौकी ऐसे नहीं मिलती है, और आपको क्या क्या करना पड़ेगा चौकी के लिए, अगर आपको चौकी चाहिए, आपको चौकी लगानी है। तो आज इस वीडियो में वो सारी बातें बताने वाला हूँ मैं, एक एक करके आपको, कि चौकी के लिए क्या क्या करना है, किसको मिलती है, कैसे मिलती है चौकी, और आप कैसे चौकी लगा सकते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई चैनल को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब आप जितना ज़्यादा करेंगे, उतना ज़्यादा गुरु महाराज की जो अलख हम जगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं घर घर तक पहुँचाने की, वो घर घर तक पहुँचेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और ये बात मैं आप बताने वाला हूँ कि भाई चौकी कैसे लगती है, किसको मिलती है, और उसके नियम क्या ज़रूरी हैं। ठीक है, जय जय गुरु गोरखनाथ। जय जय गुरु गोरखनाथ। जय सिद्ध बाबा महाराज की, जय धामहार की, जय बागड़ की सरकार की, जय मेरे सिद्धनाथ तेरे सदा ही जय। तो स्वागत है सभी का चेला गोरख का यूट्यूब चैनल, जो गुरु महाराज का पर चलता है, आप सभी के आशीर्वाद से और प्यार से। तो प्यार आशीर्वाद बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें, जिंदगी को आगे बढ़ाते रहें। तो दोस्तों, आप अगर चौकी लगाना चाहते हैं, आप गुरु महाराज की चौकी बनाना चाहते हैं, आप साधना करना चाहते हैं, तो एक बात बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा कि चौकी लगाना या चौकी मिलना हर किसी के लिए नहीं होता है। कुछ स्पेसिफिक होते हैं कारण जिनकी वजह से चौकी मिलती है। और एक बात और बता दूं कि जितने भी हमारे मित्र ऐसे हैं जिनके ऊपर सवारी आती है, तो वो कहीं ना कहीं आम आदमियों से अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपके ऊपर सवारी आती है, तो जो आपका शरीर है, आपकी जो वाणी है, वो कहीं ना कहीं देवतुल्य हो जाती है। ठीक है, जब भी आपके ऊपर सवारी, देवतुल्य हो जाते हैं, क्योंकि देवता आपके ऊपर है, तो उस वक्त देवता होते हैं आप। तो कहीं ना कहीं आप सामान्य मानव से अलग हो जाते हैं। तो जब आप सामान्य मानव से अलग हो जाते हैं, आपके ऊपर सवारी आती है, आप चौकी लगाना चाह रहे हैं, चौकी लगा रहे हैं, तो आपके नियम, आपके कानून, आपकी जो परिभाषा है, वो भी सामान्य मानव से थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। और इसी वजह से हर किसी व्यक्ति को चौकी नहीं मिलती है, या हर किसी व्यक्ति की साधना पूरी नहीं होती है। आपको ये समझना होगा। ठीक, सबसे पहली चीज़ देखिए, चौकी लगाने के लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक, आपका खुद से पूरी श्रद्धा भावना के साथ अपने इष्ट के प्रति समर्पित होना। दूसरा, आपके घर में किसी ने, बड़े बुजुर्ग ने, किसी ने परिवार में कभी चौकी लगाई हुई हो, तो आपको चौकी मिल सकती है। तीसरा, आप जिस गुरु का, आपने कोई गुरु बना रखे हैं, वो गुरु आपकी चौकी लगाते हैं, वो सेवा करते हैं, आप उन गुरु की सेवा करते हैं, वो गुरु आपसे प्रसन्न हो तो आपको चौकी दे देते हैं। इस तरह तीन तरीके से चौकी मिलती है। सबसे कठिन है पहले वाला तरीका, जिसमें आपको खुद भक्ति भावना के साथ, समर्पण के साथ, आपको पूजा पाठ के साथ अपनी चौकी को ग्रहण करना होता है, चौकी को लेना होता है। दूसरा, जिसमें कि आपके परिवार के वाले होते हैं, तो थोड़ा आसान है। तीसरा, जिसमें गुरु की सेवा करनी है, वो भी थोड़ा आसान है। बट पहला जो तरीका, वो सबसे ज़्यादा कठिन है, जिसमें आपको अपनी खुद से सेवा करके चौकी लेनी होती है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि चौकी के नियम क्या होते हैं। भाई साहब, जब आप चौकी लेने के लिए चलते हैं, तो जाहिर सी बात है, जब तक आप चौकी के नियम के लिए परहेज कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं, तब तक सबसे बड़ा जो नियम है, वो नियम है सभी सांसारिक सुख सुविधाओं का परित्याग करना। उसको समझना पड़ेगा, सुख सुविधाओं का परित्याग करने का मतलब। अब ये नहीं है कि भाई आप बाथरूम में, आप घर में, सपोज घर में रहते हैं, तो बाथरूम में ना रहे तो आप जाके पोखर को ढूंढे, तालाब ढूंढे, या नहर ढूंढे और उसमें नहाए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। सुख सुविधाओं का मतलब है कि सबसे पहला तो आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना मतलब, अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपको बिल्कुल सन्यासों की तरह जीवित रहना, जीना है। आपको अपनी पत्नी से दूर रहना है। ठीक है, आपको किसी पराई औरत से दूर रहना है, पराई मर्द से दूर रहना है। आपको किसी से भी शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करने हैं। ये
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो भी आपको इस नियम का पालन करना है और आपको पराई औरत से मर्द से दूर रहना है, किसी से भी शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करने हैं। पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा, आपको सांसारिक सुख सुविधाओं में जैसे कि भाई आपको सात्विक भोजन करना है, आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, आपको सात्विक भोजन करना है। सात्विक भोजन में भी आपको मक्खन घी बटर इन सब चीज़ों से दूर रहना है। सादी सिंपल सूखी रोटियां खानी हैं, सूखे चावल खाने हैं, जो भी खाना है मतलब उस तरीके से आपको अन्न चाहे तो आप फल फूल आहार का अन्न कर सकते हैं, तो इस चीज़ से आपको ध्यान रखना है। तीसरा, आपको बिस्तर का त्याग करना है। बिस्तर का त्याग मतलब कि आप जैसे सोफों पर गद्दों पर मस्त डेवलप के गद्दों पर सोते हैं तो आपको उनका त्याग करना होगा। आपको फ्लैट सरफेस पर सोना है। आप तख्त पर सो सकते हैं, आप ज़मीन पर सो सकते हैं, आप जो है सनमाइका वाला फोल्डिंग प्लेन फोल्डिंग आप उस पर सो सकते हैं। मतलब आपको गद्दों वद्दों का त्याग करना है, आपको एक तरह से अपने शरीर को कष्ट में रखना है। तब जाके जब आप कम से कम ये जो तीन नियम हैं, ये तीन और एक चौथा होता है आपकी साधना यानी पूजा, आप वो समय से करेंगे। जो भी समय आप बांधते हैं अपना, सुबह का, शाम का, रात का, दोपहर का, तीनों टाइम का, दो टाइम का, एक टाइम का, आप अपनी पूजा भक्ति पूरी भावना के साथ उस नियत समय पर रोज प्रतिदिन करेंगे जब तक कि अपनी साधना को सफल नहीं कराते हैं आप, सिद्धि नहीं कराते हैं आप। ठीक है, तो ये जो चार तीन चार नियम है ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है। इन नियमों के बिना तो ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि आपको चौकी मिल जाए। मतलब ही नहीं है कि आप चौकी लगा सकते हैं, आप गद्दी लगा सकते हैं, आप सवारी प्राप्त कर सकते हैं। ये चार पांच नियम तो आपको करने ही करने हैं। इसके अलावा ढेरों नियम आप अपने हिसाब से बांध सकते हैं, किंतु ये चार पांच नियम बेसिक नियम है, मूलभूत नियम है, ये आपको पूरे करने ही पड़ेंगे। साथी दोस्तों, मैं आपसे फिर से प्रार्थना करता हूँ कि भाई भविष्य फाउंडेशन की जो मुहिम हमने चला रखी है समाज सेवा की, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त मेरे जुड़ी है। आप सभी लोगों से प्रार्थना है, आप सभी का सहयोग मुझे चाहिए उसके लिए। गुरु गोरखनाथ के नाम से मैं आपसे कहता हूँ, बाबा के नाम से आपसे कहता हूँ कि बाबा की सेवा करें तो सब कुछ समाज के लिए भी आप कीजिए। वैसे भी आप चौकी लगाने की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, तो आप कर सकते हैं। आप अपने गाँव बस्ती में हमसे जुड़कर संस्था के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं, या आप हमारे साथ अपना सहयोग कर सकते हैं। आप डोनेशन के थ्रू, आप दान देने के थ्रू सहयोग कर सकते हैं। तो दान देने के लिए आप इस स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, सभी के फ़ोन में अवेलेबल है आज के डेट में पेटीएम ऐप या गूगल पे ऐप या फ़ोन पे, आप आराम से पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं हमारे को। बैंक अकाउंट के जरिए, ये बैंक अकाउंट डिटेल है, इस अकाउंट डिटेल में भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अमाउंट को। ठीक है, आप सभी से प्रार्थना है ज़रूर ट्रांसफ़र कीजिएगा। और एक चीज़ मुझे इस वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा कि किन किन भाइयों ने, किन किन सज्जनों ने, किन किन देवियों ने कुछ अमाउंट, कुछ दान दिया है संस्था को, या कौन कौन संस्था के साथ जुड़ना चाहता है, इस तरह की डिटेल भी आप मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और सभी का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए बॉस, कि आपकी समाज सेवा ही आपके पुण्य के रास्ते खोलती है। और जब आप गद्दी की बात करते हैं, जब आप चौकी की बात करते हैं, तो आपको पुण्य की आवश्यकता होती है। और पुण्य कैसे मिलता है? समाज के लिए कार्य करने से मिलता है, समाज के लिए अच्छा सोचने से मिलता है। तो आप इस तरह से पुण्य के भागी बन सकते हैं और गद्दी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको करना एक ही चीज़ है कि आपको जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी नियम कर रहे हैं, जो भी कानून आप अपना रहे हैं, वो पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ, पूरी भावना के साथ करें। क्योंकि बिना श्रद्धा भक्ति भावना के आप कुछ भी करते हैं उसका कोई मोल नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आप अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा रखिए, समर्पण रखिए, तो आपको सब कुछ मिलेगा। आप इच्छा को पहले बोलते हैं, बाद में समर्पण दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आपको कुछ नहीं मिलता है। पूरा समर्पण रखिए, तब बाबा से आप बोल सकते हैं कि बाबा मुझे ये चाहिए, या माता रानी मुझे ये चाहिए। समर्पण पूरा रखिए, आपको चौकी अवश्य मिलेगी, आपका भला अवश्य होगा, आपको आपकी मनोकामना पूर्ति अवश्य होगी। तो गुरु गोरखनाथ महाराज की पूजा करते रहिए, उनका आशीर्वाद सभी बना रहे। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय तारा, जय जय धाम।